आइए आज 11 मई को स्मरण करते हैं अमर बलिदानी अवध बिहारी जी को। मातृभूमि की सेवा के लिए व्यक्ति की शिक्षा, आर्थिक स्थिति या अवस्था कोई अर्थ नहीं रखती। दिल्लीवासी क्रांतिवीर अवध बिहारी ने केवल 25 वर्ष के अल्पायु में ही अपना शीश मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। अवध बिहारी का जन्म चांदनी चौक दिल्ली के मोहल्ले कच्चा कटरा में 14 नवंबर 1889 को हुआ था। के पिता श्री गोविंद लाल जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए। अब परिवार में अवध बिहारी, उनकी माँ तथा एक बहन रह गई। निर्धनता के कारण प्राय इन्हें भरपेट रोटी भी नहीं मिल पाती थी, पर अवध बिहारी बहुत मेधावी थे। गणित में उनके सदा 100% नंबर आते थे। उन्होंने सब परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में और कक्षा में प्रथम आकर उत्तीर्ण की। छात्रवृत्ति और ट्यूशन के बल पर अवध बिहारी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से 1908 में प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक लेकर बीए किया। उनकी रुचि पढ़ाने में थी, अतः वे लाहौर गए और सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज से बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ट्रेनिंग कॉलेज की एक अंग्रेज अध्यापक ने इनकी प्रतिभा और कार्यक्षमता देखकर कहा था कि ऐसे बुद्धिजीवी युवकों से अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता के प्रसार में बहुत सहायता मिल सकती है। पर उन्हें क्या पता था कि वह युवक आगे चलकर ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाने में लग जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। शिक्षा पूरी कर अवध बिहारी दिल्ली में संस्कृत हाई स्कूल में अध्यापक हो गए, पर वह सरकारी विद्यालय स्वाधीनता के उनके कार्य में बाधक था, अतः उसे छोड़कर वे लाला हनुमत सहाय द्वारा स्थापित नेशनल हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। दिल्ली में उनकी मित्रता मास्टर अमीर चंद आदि क्रांतिकारियों से हुई, जो बम गोली के माध्यम से अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा में इन्होंने एक भीषण बम फेंका। वायसराय हाथी पर बैठा था, निशाना चूक जाने से वह मरा तो नहीं, पर बम से उसके कंधे, दाहिनी तम और गर्दन में भारी घाव हो गए। शासन ने इसकी जानकारी देने वाले को 1,00,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। शासन ने कुछ लोगों को पकड़ा, जिनमें से दीनानाथ के मुखबिर बन जाने से इस विस्फोट में शामिल सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। न्यायालय में अवध बिहारी पर यह आरोप लगाया गया कि बम में प्रयुक्त टोपी उन्होंने ही बसंत कुमार के साथ मिलकर लगाई थी। उन दिनों देश में अनेक विस्फोट हुए थे, अवध बिहारी को उनमें भी शामिल दिखाया गया। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने लिखा कि अवध बिहारी जैसा शिक्षित और मेधावी युवक किसी भी जाति का गौरव हो सकता है, यह साधारण व्यक्ति से 1,000 दर्जे ऊंचा है। हमें इसे फांसी की सजा देते हुए दुख हो रहा है। 11 मई 1915 को इनकी फांसी की तिथि निर्धारित की गई। फांसी से पूर्व इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजी साम्राज्य का नाश हो। जेल अधिकारी ने कहा कि जीवन की इस अंतिम वेला में शांति रखो, तो अवध बिहारी ने कहा, कैसी शांति, मैं तो चाहता हूँ भयंकर अशांति फैले, जिसमें यह विदेशी शासन और भारत की गुलामी भस्म हो जाए। क्रांति की आग से भारत कुंदन होकर निकले, हमारे जैसे 1,000-2,000 लोग नष्ट हो भी जाएंगे तो क्या। यह कहकर उन्होंने फंदा गले में डाला और वंदे मातरम कहकर रस्सी पर झूल गए। उस कारागार और फांसी घर के स्थान पर आजकल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। भारत माता की जय।